ऑल गुड्स इन सर्विसमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एक यहाँ पर आप ये समझें कि एक पर्टिकुलर रिसोर्स है जैन फॉर एग्जाम्पल जिसकी मैं अच्छी एग्जाम्पल दे देता वो ये कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक स्टोन आता है तो मोजैक्स आते हैं आपके मार्बल्स हैं आपके आ, जो ब्लूश टच के खास जैसे मराकश के स्टोन है उसकी बड़ी मार्किट और टाइल्स की बड़ी मार्केट जो है वो टर्की बन गई कुछ जगहों के ऊपर देखा कि बिल्डिंग मटेरियल्स में पाकिस्तान में भी ये बन सकता था लेकिन टर्की से अभी भी जो उसकी इंपोर्ट करवाने का कॉस्ट पाकिस्तान से बनी हुई टाइल्स से कम आ रहा है तो मैक्सम और फिर उनका वहाँ का ही टेस्ट है वहीं का फ्लेवर है और वहीं की मार्केट है तो अब यहाँ सर आपने आउटसोर्स कर लिया फिर इसी तरीके से यहाँ पर आप कैलीग्राफिक चीज़ों के ऊपर लेकर आते हैं आपने देखा होगा कि मदीना पाक की मस्जिद के लिए जब बनाया गया था तो टर्की से सारे के सारे लोग चले गए थे एक बड़ी गहरी एग्जाम्पल देने लगा कि वहां पर जब हज़ूर असलात इस्लाम के मदीना मुनावरा के अंदर जो कैलीग्राफी और पूरे उसके इंटीरियर को देखा गया तो उस्मानी तुर्क जो थे जब उनके कंट्रोल में था तो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए एक पूरी नस्ल तैयार करें यानी कारपेंटर्स से लेकर आपके मार्बल लगाने वाले तक आपके बुर्ज बनाने वाले से लेकर आपके वो मसनत बनाने तक ये सारे के सारे प्रैक्टिकल लोगों को तैयार किया गया उनको हफाज़ बनाया गया उनको नेक बनाया गया और उनको सर्टन तरीके से उनको तैयार किया गया और फिर मदीना पाक उनको एलोकेट कर दिया गया यानी इससे ज़्यादा अच्छी एग्जाम्पल मैं आपको ये नहीं इसलिए दे सकता कि उनकी किरदार की पाकिजगी को भी मैनेज किया गया ताकि वो एक पाकिज़ा जगह को तैयार करने जा रहे हैं और वहाँ पर जो कैलीग्राफी हुई है और फिर उसके बाद जो सब चीज़ों को उन्होंने रिस्टोर किया है यहाँ पर यानी ऐसी ऐसी जगहों को यानी मुआजा शरीफ के करीब भी अगर हज़ूराम ने जहाँ जहाँ कदम भी रखा तो वो चीज़ों को भी उन्होंने प्रिजर्व करके उसके ऊपर साइंस बना दी तो जिसकी वजह से पता चला कि फला जगह के ऊपर ये एक जो परनाला बनाया था पानी के लिए उसमें हजूर ने कैसे कदम मुबारक रखा और उधर कैसे गया उसको भी रिस्टोर कर दिया गया निशानियों के साथ कुछ और भी मामला थे क्योंकि मवाज़ा शरीफ से घर तक जो है वो एक रास्ता बनता है उसमें कैसे प्रिजर्वेंस दी गई कौन सा कलर यूज़ किया गया ग्रेनेशन टच था तो ये एलोकेटिव एफिशिएंसी के तौर पे मैंने आपको ये बताया कि आपका रिसोर्स कैसे लिया गया इसी तरीके से उन्हें आब जमजम को भी वहाँ पर आ, उसके सप्लाई लाइन्स बनाई गई मार्बल्स को वहीं पर बनाया गया यानी इंडिपेंडेंटली वहाँ पर हुआ और सारे के सारे जितने रिसोर्स मटीरियल थे कोशिश की गई वहीं से बनाए जाए एक एग्ज़ाम्पल ये अच्छा एक और नेचुरल एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जिसको लोग मेथोलॉजी में समझेंगे लेकिन ये मिथ नहीं है कि हजू अल्लात इस्लाम की एक हदीस मुबारक भी है जैसे उन्होंने कहा कि अजवा जो है पूरी कायनात के अंदर आप जहाँ मर्जी उसका बीज डाल लें आप दूसरी अजवा किसी और जमीन पर नहीं उगेगी अच्छा अब आप ये कहेंगे कि एलोकेटिव एफिशंसी में मैं ये क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूँ बताने का मकसद सिर्फ ये है कि कुछ चंद एलोकेटिव रिसोर्स भी होते हैं जिसको यूटिलाइज किया जाता है अब हम एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं इसको आपकी आज की बिजनेस मैनेजमेंट से तो आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया के अंदर स्पेसिफिक मार्केट्स बन गई तो ऑटोमोबाइल के लिए एक अलग स्पेसिफिक मार्केट की अगर आप जाएंगे तो जापान और कोरिया से आप बाहर नहीं निकल सकते और अभी भी चाइना की वो स्ट्रेंथ नहीं बन रही बहुत सारी कार्स उन्होंने बनाई और बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई लेकिन क्वालिटी के हिसाब से अभी तक आप जापनीज और उन कार्स के मुकाबले में नहीं आ सक रहे तो इसी तरीके से जैसे मैंने एग्जाम्पल दी कि आपके चंद रिसोर्सेज होते हैं जो वहीं के होते हैं इसी तरीके से चंद चीज़ें जो आपकी जर्मनी की हैं उनमें ब्राउन्स कंपनी हो गई या बी कार्स हो गई या आपकी वोक्स पैकन होगी आप उसका कम, जो कंपैरिजन है नहीं कर सकते दैट्स क्योंकि वहां पर एक्स uh, uh, जो हैं उसके वैसे रहेंगे अच्छा रिसोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात मोटिवेशन को फिर ले आइए जैसे मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजिकली आपके पास फियर uh, है आपकी मोटिवेशन है आपका का खुशी है का आपका डर है

और पाकिस्तान की एंटरप्रेन्योरियल यूथ को जब तक वो मोटिवेट नहीं होगी चंद चीज़ों से कि उनको पूरी दुनिया के अंदर अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है पाकिस्तान में जितने रिसोर्सेज हैं अगर आपकी माउंटेनियर्स हैं एरियाज हैं आपके मैदानी इलाके हैं आपकी जरात है और जिस एरिया के अंदर आप ज़्यादा काम करेंगे ये वाइट कॉलर ब्लू कॉलर की गेम से अगर निकल जाएं और एफिशिएंट तरीके से उन रिसोर्स पे काम करें ऑटोमेटिकली आप वाइट कॉलर या ब्लू कॉलर पे पहुंच ही जाते हैं

कि जैसे मैंने बीएमडब्ल्यू की बात की तो वहां का माइंडसेट भी आएगा क्योंकि वहां के लोग क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते देयर क्वालिटी इज बिगर देन देयर लाइफ तो वो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए जिंदगी लगाते जब जिंदगी को बचाने के लिए जिंदगी लगाएंगे तो जिंदगी डेफिनेट बचेगी यानी अगर बीएमडब्ल्यू एम के अगर आप आपने मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू के अगर आप देखें तो उनके टेस्ट देखें तो उनको हमेशा जो है उनकी एक्सीडेंटल टेस्टिंग करते हैं जितने एक्सीडेंट्स होंगे कितना प्रेशर मेंटेन होता है कहाँ से कौन सी बोन टूटने का खतरा है उतने प्रेशर पॉइंट्स को वो रोकते हैं और रिजिस्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी भी सूरत में ड्राइवर को नुकसान ना पहुंचे आपके पैसेंजर्स को नुकसान ना पहुंचे आपकी बोन्स हैं स्कल बोन है आपकी बैक बोन है ये तीन चीज़ें अगर अगर आपकी जाती हैं तो मैक्सिमम एक्सीडेंट्स के अंदर पूरी उम्र के लिए लोग पैरालाइज हो जाते हैं उनका दिमाग काम करना बंद कर देते हैं उनकी मेन नर्व्स जो हैं वो डिटैच हो जाती हैं तो इन कार्स के अंदर इस चीज को देख तो माइंड सेट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट आपकी थॉट बिहाइंड द प्रोडक्ट थॉट बिहाइंड द प्रोडक्ट थॉट बिहाइंड द प्रोडक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट वेन यू अंडरस्टैंड द थॉट बिहाइंड द प्रोडक्ट इट गिवस यू एलोकेटिव एलोकेटिवियंसी अब आते हैं इन इकोनॉमी इज द पॉइंट ऑफ एलोकेटिव एफिशियंसी फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस अकर इट द प्राइस एंड क्वालिटी डिफाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड कब्स अब मैंने आपको सप्लाई एंड डिमांड का उसका ऑलरेडी इसका डिटेल में बता दिया और अब हम देखते हैं तो एलोकेटिव एफिशिएंसी ऑन होल्ड इफ मार्केट आर एफिशिएंट बोथ इंफॉर्मेशनली और ट्रांजैक्शनली अब यहां पर रुकना जरा जरूरी है लेट्स गिव अ पॉज टू इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजैक्शन देखो एक डेटा आ गया मेरे पास मुझे समझ आ गई कि कहां कहां से मैं सप्लाई चेन डेवलप करूंगा कितने ममालिक से करूंगा अभी रिसेंट टाइम के अंदर मुझे अब यूनियम मिल गई मुझे पावर सेक्टर में भी आना है मुझे अफगानिस्तान से भी ताल्लुक बनाने और बाकी चीजों के अंदर भी मैं देखता हूँ कि कहाँ होगा फिर आप मेरी ट्रांजेक्शन कहाँ से तेज हो सकती है क्या अफगानिस्तान के साथ में काम करके तेजी से मेरी ट्रांजेक्शन होंगी नहीं चाइना के साथ करूंगा तो ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल मैकनिज्म की वजह से क्योंकि बैंकिंग सेक्टर इज अवेलेबल देयर बट उस जगह के ऊपर अभी डेवलपमेंट होनी है तो ट्रांजेक्शन तेज नहीं होंगे सो इंफॉर्मेशन का होना रिसोर्स का होना या रॉ मटेरियल का होना यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो है ही लेकिन उसके साथ चैनल्स का ट्रांजैक्शनल होना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट तो जब तक मेरी इंफॉर्मेशन प्लस ट्रांजैक्शन नहीं होगी तो एलोकेटिव एफिशिएंसी को मैं किसी रिजल्ट नहीं ला सकता। तो अंडरस्टैंड अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, uh, हो गई कि हम एलोकेटिव एफिशिएंसी को आउटपुट बेस कैसे बनाएंगे थैंक यू वेरी मच